अभी जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि अभी चंद दिन पहले जो बैन अल-अक़वामी कुछ गैर सियासी गैर समाजी तंजीमें यानी एनजीओज जिनको हम कहते हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं उनको वो दरखास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रुकनीयत है वहां से उसको कैंसिल किया जाए, खुसी तौर पे जो मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उसके हवाले से। तो माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान हम समझते हैं कि ये जो डिमांड है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेशक पाकिस्तान में हमें मुश्किलात का सामना है, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी होती है, माइनॉरिटीज के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कम सिन बच्चों की फोर्स कन्वर्शन हो रही है, हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में और डिस्क्रिमिनेशन है, उन क्लाजेस को भी खत्म नहीं किया जा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पे हमें आगे बढ़ने के लिए बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंतहाई हार्श इकदाम है कि हम अपने ही मुल्क में जहां हम रहते हैं, जिस जहां हमारा जीना मरना है, जहां पे हमारा खाना पीना व्यवस्था है, जहां की सोसाइटी में हम रहते हैं, हम कैसे उसके खिलाफ जो आवाज उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गैर जरूरी है और कबल अज वक्त है। हमें इस तरह हम अपनी जो राहें हैं वो खत्म करेंगे, यहां पे फिर हमें मुल्क दुश्मन समझा जाने लगेगा। हम अब एडवोकेसी और लॉबिंग कैसे करेंगे इंसानी हकूक के लिए, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं इस डिमांड के साथ हम और माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान हम समझते हैं कि नहीं, इस कॉल को बिल्कुल वो तमाम हम उन एनजीओ को लिख भी रहे हैं कि वो इस कॉल को वापस लें, और यहां पे बार बैठ के जो हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान की जिनको बड़ा मसला होता है अकलीतों के साथ वो सॉलिडरिटी करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो यहां पे रहने वाले जो लोग हैं, जो हम लोग हैं जो यहां पे जदोजहद करने वाले हैं, उनसे डिस्कशन कर लिया करें कोई भी मूव करने के लिए, हमारी राय ले लिया करें, और वहां पे बैठ के सिर्फ एक तमाम हमारे बैन अल-अक़वामी दोस्तों ने सीखा है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालें। ठीक है, बहुत सारे काम प्रेशर्स पे होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता है, और हम समझते हैं कि यहां पे मूवमेंट की जरूरत है, यहां पे लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि यहां से मूवमेंट जो वो मजबूत हो और हम यहां से ग्राउंड पे रहते हुए आवाज उठाएं कि पाकिस्तान में यहां की पॉलिटिकल लोगों को, सियासी जमातों को, यहां की हुकूमत को एतमाद में लेके हुए उनको मजबूर करें, और यहां पे दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं, अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ हम बैठ के बात करें कि नहीं ये हमारे मसाइल है, वहां पर गौर करें, बजाय हम वहां पर पाकिस्तान को मजीद मुश्किल से दो चार करें। यहां पहले ही FATF की जब पाबंदी थी तो आज हमने देखा कि हमारे जो चर्चेस थे, हमारी एनजीओ थी, जो हमारे इदारे थे, उनके अकाउंट्स बंद कर दीजिए गए थे, वो भी हम भुगत रहे हैं। एनजीओ की मिनिस्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रही, तो अल्टीमेटली इसका नजला भी हम पे ही गिरा। तो अब जब हम मुल्क के कॉमनवेल्थ पे जब उसकी रुकनियत खत्म करेंगे तो हम कैसे बैरूनी दुनिया फिर पाकिस्तान पे दबाव डाल सकेगी, उसका भी अल्टीमेटली, क्योंकि सबसे पसमानदा जो लोग हैं यहां हम हैं, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं। तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होती है तो उसका हम पे ही नुकसान आएगा। तो मैं ये उन तमाम एनजीओ से गुजारिश करूंगा कि इस कॉल को वापस लें। हाँ, आप उस रोकने के लिए लेजिस्लेशन का मुतालबा करें, लेकिन जो कॉमनवेल्थ से रुकनियत मुअत्तल करने की डिमांड है उसको वापस लें।